तो लेकर आओ काफी कमाल का टेक डेली हैशटैग 10 एपिसोड्स पर। मैं कुमार, आज की इस टेक न्यूज पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नोकिया के दो ऐसे स्मार्टफोन्स जो कि लॉन्च होने वाले हैं, उनकी तैयारी चल रहा है 4.2 और 3.2 का, जो कि उसके फीचर्स वगैरह क्या है, उसके प्राइस क्या है, उसके विषय में नोकिया ने एक लिस्ट जारी किया अपने वेबसाइट पर, उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले दोस्तों स्वामी कंपनी का वायरलेस लेबल मतलब कि हैंडल का स्वीपर मतलब कि लॉन्च किया, उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले दोस्तों गार्मिन कंपनी ने स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है, और वोडाफोन का 139 रुपये वाला प्लान जो कि लॉन्च हुआ है, उसका क्या मतलब कि वो प्लान क्या है, उसके विषय में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि आज का ये जो वीडियो जो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दोस्तों। तो वीडियो पूरा से पूरा देखना। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो नीचे लाल बटन से सब्सक्राइब को जरूर दबा दें, साथ ही बगल वाले घंटा यानी बेल को भी दबा देना, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन भी आपको और इस तरह मिलता रहे दोस्तों। और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट है हमारे लिए सब कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं टेक्निकल केशव जी। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट। किया लेकर आ रही है दो अपना स्मार्ट फोन, और वो जो फोन है दोनों, एक तो 3.2 है और दूसरा जो है 4.2, ये दो ऐसे मॉडल के स्मार्टफोन जो कि लॉन्च होने वाले दोस्तों। नोकिया अपनी तैयारी कर रही है, नोकिया अपने वेबसाइट पे लिस्टिंग किया है इसके फीचर्स वगैरह के और स्पेसिफिकेशंस के बारे में दोस्तों। तो जहां तक अगर हम बात करते हैं 3.2 के स्पेसिफिकेशंस की, तो 6.26 इंच की HD डिस्प्ले के साथ में ये फोन आ रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ ये तीन वेरियंट में स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले, एक तो 2 GB रैम, दूसरा 3 GB रैम और 4 GB रैम के साथ में भी आ सकता है दोस्तों। और जिसकी प्राइस रखी गई है दोस्तों 10,000 रुपये और 13 MP कैमरे के साथ में ये फोन आने वाला है। साथ ही साथ इसकी सेकेंडरी इसकी सेल्फी कैमरे की बात करते हैं तो 5 MP का कैमरा होने वाला है, और बैटरी MAH बताया जा रहा है कि 4000 mAh की बैटरी हो सकती है। और साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं इसकी प्रोसेसर वगैरह की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 429 प्रोसेसर के साथ भी ये फोन आ रहा है। और साथ ही साथ हम इसके साथ अगर हम बात करते हैं इसकी 4.2 फोन जो कि नोकिया का है, जो कि दो मैंने बताया था, इसका भी अगर बात करते हैं तो इसका बैटरी भी, इसका अगर डिस्प्ले वगैरह जो है मतलब कि 5.7 इंच का HD डिस्प्ले सेम है दोस्तों, और कैमरा लेकिन जो इसमें है कि 3.2 से मतलब कि बेटर कैमरा हो सकता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो कैमरा है 13+2 यानी ड्यूल रियल कैमरा होने वाला है दोस्तों 4.2 में, और इसका ड्यूल रियल कैमरा और 8 MP सेल्फी कैमरे के साथ फोन आएगा। इसकी प्राइस का लिस्टिंग नहीं है फिलहाल। इसमें बैटरी अगर एमएएच की पावर बैंक की बात करते हैं तो 3000 mAh की बैटरी के साथ में आएगा, और 439 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में ये फोन आ रहा है दोस्तों। तो नोकिया अपना दो स्मार्टफोन 4.2 और 3.2 ये दोनों स्मार्टफोन्स मतलब कि लेकर आ रहा है, और इसकी तैयारी चल रहा है, जिसका लिस्टिंग अपने खुद के वेबसाइट www.nokia.com वेबसाइट पे लिस्टिंग किया है, जिसका फीचर्स वगैरह निकल के आया जो कि मैंने बताया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ हम चलते हैं अगले अपडेट पे, देखते हैं क्या निकल के आता है वोडाफोन कंपनी का। वोडाफोन ने एक और प्लान लॉन्च कर दिया है, और इस प्लान के तहत नेटवर्क 5G पे आधारित इन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों। ये जो प्लान है, इस प्लान के तहत आपको ये 139 रुपये वाला प्लान जो कि नोकिया वोडाफोन कंपनी ने लॉन्च किया, और इस प्लान के तहत दोस्तों आपको नेटवर्क 5G का सपोर्ट मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप इसका 139 रुपये वाला प्लान रिचार्ज करते हैं दोस्तों, तो 4G के साथ साथ 3G के साथ साथ आपको 5G नेटवर्क सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको 5G की स्पीड्स देने वाली है दोस्तों। जो कि इसकी अगर वैलिडिटी की बात करते हैं, तो ये जो वोडाफोन की जो 139 रुपये का प्लान है, ये इसकी वैलिडिटी का डेट मतलब कि 28 दिन तक ये भी चलने वाला है, मतलब कि एक महीना आपको लगभग चलेगा ही दोस्तों, एक महीना चलेगा 28 दिन। और साथ ही साथ आपको डाटा, कॉल, वॉइस, SMS सब कुछ फ्री मतलब कि 28 दिन के लिए इस प्लान के तहत आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लान लॉन्च किया है वोडाफोन ने, और ये प्लान हमें लग रहा है कि इसका ऑलरेडी एक सौ उनतीस रुपये वाला प्लान था, और 169 रुपये प्लान, बहुत सारे से कम के भी प्लान थे, जो कि उसमें डाटा 1.5 और 1 GB डाटा पर डे, SMS कॉलिंग सब कुछ फ्री होता था। तो वोडाफोन ने फिर से एक बार मतलब कि एक और लॉन्च कर दिया 139 का, जिसमें आपको 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ में मतलब स्पीड्स देने के साथ में मतलब ये बात कही है कि ये 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है, और 5G की स्पीड्स आपको इस प्लान के तहत मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी है कि वोडाफोन ने 139 में
बहुत ही कम कीमत, बहुत ही सस्ता, मतलब कि जियो और एयरटेल को टक्कर देगा और उसको फेंक देगा अगर ये प्लान अगर चल रहा है दोस्तों। तो ये प्लान काफ़ी दमदार चलेगा। अभी तो 5G का नेटवर्क इंडिया में नहीं है, बट जिस दिन आ जाएगा 5G का नेटवर्क, उम्मीद है कि 2020 तक आपको मिल ही जाएगा 5G नेटवर्क पूरे इंडिया में। देखते हैं क्या होता है आगे चल के, बताना जरूर अपने कमेंट सेक्शन में दोस्तों। तो चलते अपने हैं, निकल से रेगुलेटर क्या गार्मिन है? कंपनी ने एक वीवो स्मार्ट फोन वॉच लॉन्च कर दिया है, जो कि रात वगैरह के आप अगर पहनते हैं ये स्मार्टफोन्स तो स्मार्ट वॉच तो आपको वेरी कंफर्टेबल लगेगा और काफ़ी लुक्स में भी बढ़िया है। और ये स्मार्ट वॉच मतलब कि काफ़ी मतलब मोबाइल से संबंधित सब कुछ डिटेल्स वगैरह देता है, इसमें चिप्स वगैरह सब कुछ लगता है दोस्तों। ये स्मार्ट वॉच काफ़ी बढ़िया है, इसकी प्राइस 12,990 रुपये रखी गई है दोस्तों, और जो कि ये जल्द ही आप लोगों के सामने आ ही जाएगा और ये सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। ये स्मार्ट वॉच काफ़ी बढ़िया है, देखते हैं क्या क्या आगे चल के होता है। और देखते हैं अगला अपडेट क्या निकल के, अगला अपडेट निकल के आता है दोस्तों, स्वामी कंपनी ने EMI का एक वायरलेस वायरलेस हैंड हेल्ड स्वीपर लॉन्च कर दिया दोस्तों। वायरलेस हैंड हेल्ड स्वीपर लॉन्च कर दिया है, और ये जो हैंड हेल्ड स्वीपर जो है कि 59 रुपये की यूनान प्रति है, लगभग 615 रुपये के ये स्वीपर हैंडल है, जो कि आपको 2000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि वायरलेस हैंड हेल्ड स्वीपर है, जो कि मतलब कि ये आपके घर में जैसे कि स्वीपिंग करने के लिए होता है, साफ सफाई करने के लिए, तो आप जनरली समझ सकते हैं कि एक पोछा लगाता है, यू नो पोछा, तो उस तरह की मतलब ये स्वीपर है जो कि हैंडेबल स्वीपर है और ये वायरलेस है, मतलब कि एक बिना करंट के चलने वाला, मतलब कि एक बैटरी के द्वारा उसको चार्ज करके, अब चार्ज करके मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसमें 2000 mAh की बैटरी है और इसकी मदद से ये स्वीपर हैंडेबल जो कि है काफ़ी अच्छा काम करती है और ये काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और देखते हैं यार, स्वामी ने तो कमाल ही कर दिया, सब कुछ स्वामी लेकर आ रहा है इंडिया में, पूरा स्वामी हमें लग रहा है कि मतलब कि लॉन्च करते जा रहे, मतलब सारा कुछ स्वामी ही देती चाहिए, कल को मिलेगा दाल चावल भी हमें लग रहा है कि स्वामी देगी हमको। देखते हैं क्या क्या यार स्वामी वाले क्या क्या करते हैं। फिलहाल अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो नीचे लाल लिंक बटन सब्सक्राइब को जरूर दबा दे, साथ ही बगल वाले घंटा यानी बेल को भी दबा देना दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कमेंट करें जरूर, सब्सक्राइब करें जरूर। इसके साथ ब्रह्मचर्य, जय हिंद, वंदे मातरम।